प्रभुपाद जी द्वारा, कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल के अंत में जल के भय से सभी वेद मेरे मुख से निकलते हैं तथा भगवान उस विशाल जलराशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब ब्रह्मा को भी वह अपरिमेय जल भयानक लगता है। अतः भावी वैवस्वत मनु के आरंभ में वह ऐसा संहार को देखेगा। ऐसी अनेक घटनाएं भी होगी, जैसे कि प्रसिद्ध शंकासुर का वध। ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा जी के गत अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता था कि उस प्रलयकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे, किंतु मत्स्य अवतार रूप में श्री भगवान न केवल समस्त जीवात्माओं यथा देवताओं, पशुओं, मनुष्यों या मुनियों की रक्षा करेंगे, वरन वेदों को भी बचाएंगे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लिंगायतेम गिरिम यत कृपातहं वंदे श्री गुरु दीन तारणम यत कृपातहं वंदे श्री परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। आज का श्लोक जो है, ये चर्चा चल रही है ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में, और इस जो सेकंड अध्याय सातवें अध्याय का शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, कि भगवान कोई विशिष्ट कार्यों के लिए अवतार लेते हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। भगवान 6 तरह के अवतार लेते हैं। सबसे पहला होता है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार में आता है जब जो भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कारण बनते हैं, वह पुरुष अवतार कहलाते हैं। वह जैसे महाविष्णु, जिनके रोम से सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। दूसरे हैं गर्भोदय विष्णु, जो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उसको आधे अपने पसीने से भर देते हैं और वो फिर वो उनके गर्भनाल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और तीसरे हैं शिरोदय विष्णु, जो हर जीव हर कण में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। ये है पहले पुरुष अवतार। दूसरे होते हैं भगवान के लीला अवतार। लीला अवतार में जैसे ये मत्स्य अवतार हम सुन रहे हैं, कूर्म अवतार है, वरा अवतार है, वामन अवतार है, ये सारे भगवान के लीला अवतार है, जो कोई लीला रचने खेलने के लिए प्रकट होते हैं। तीसरे आते हैं गुण अवतार, जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण के भगवान है विष्णु, रजोगुण के हैं ब्रह्मा जी और तमोगुण के हैं शिव जी। तो ये तीन हुए गुण अवतार, जो गुणों को आदिष्टा देव कहलाते हैं। चौथे आते हैं शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार वे होते हैं जो किसी जीव में भगवान अपनी शक्ति डाल देते हैं। जैसे प्रतु महाराज में भगवान ने शक्ति डाली थी राज करने की, जैसे नारद मुनि में डाली प्रचार करने की, जैसे परशुराम जी में डाली संहार करने की। तो ऐसी शक्ति जब दे देते हैं तो वे कहते हैं, उनको कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। पांचवा आते हैं मनवंतर अवतार, जो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, उनमें भी हर मनु के अंदर एक अवतार लेते हैं भगवान, तो उनको कहते हैं मनवंतर अवतार। तो 14 मनवंतर अवतार हुए। और छठा कहलाते हैं युग अवतार, जो 4 अपने युग हैं, उनमें भी भगवान जैसे अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। सत्ययुग में श्वेत रूप में, त्रेता युग में लाल रूप में, द्वापर युग में काले कृष्ण के रूप में, और कलयुग में गौरवर्ण में प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये 6 तरह के भगवान के अवतार हुए। पहला हुआ पुरुष अवतार, दूसरा हुआ लीला अवतार, तीसरा हुआ गुण अवतार, चौथा हुआ शक्त्यावेश अवतार, पांचवा हुआ मनवंतर अवतार, और छठा हुआ युग अवतार। लीला अवतार का गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। उन्होंने बताया कि भगवान के कैसे कैसे लीला अवतार, जो 10 प्रमुख लीला अवतार उन्होंने बताए हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है मत्स्य अवतार, जो उन्होंने कहा केशव दीत मीन शरीर, कि एक मछली का रूप केशव, भगवान केशव जो भगवान है खुद कृष्ण है, वो एक मत्स्य का
अवतार लेते हैं। थोड़ी सी यहाँ बात हमें पहले समझनी पड़ेगी कि एक यहाँ इसमें जैसे कहा गया है कि ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार ये 4 युग आते हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये 1000 बार आते हैं। और एक जो कलयुग होता है वो होता है 4,32,000 साल का, द्वापर युग होता है 8,64,000 साल का, त्रेता युग होता है 12,96,000 का, और सत्ययुग होता है 17,28,000 का। इन चारों को मिला के बनता है 43,20,000। तो ये ब्रह्मा का एक दिन हुआ। इस ब्रह्मा के एक दिन में 43,20,000 × 1,000 पहले तो, क्योंकि ये तो एक चतुर्युग हुआ जो महायुग कहते हैं जिसको, उसका हुआ 43,20,000 × 1,000 जो ब्रह्मा के एक दिन में ये युग आ रहे हैं, × 2 ब्रह्मा की रात्रि में भी इतने दिन होंगे, और × 365 तो ब्रह्मा का एक साल इतना लंबा हुआ, और × 100 करेंगे तो ब्रह्मा की उम्र हमें मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि एक ब्रह्मा की उम्र हम नंबर में भी नहीं ले सकते हैं। 43,20,000 × 1,000 × 2 × 365 × 100 ये एक ब्रह्मा का जीवन है। कैसे इसको समझ सकते हैं, जैसे एक चींटी है या एक मच्छर है, उसका एक जीवन होता है एक दिन का। तो अगर उसे बताया जाए कि मनुष्य के जीवन 100 साल का है तो वो कैसे इमेजिन करेगा, और 100 साल का जीवन कैसे जीता होगा, मैं तो एक दिन में सारी जिंदगी जी लेता हूँ। तो ऐसे ही हमारे लिए है, हम इमेजिन करके हमारे लिए जो 100 साल है वो ब्रह्मा के कितने साल है, ब्रह्मा कितने साल के लिए जीवित रहते हैं। तो ये एक ब्रह्मा का उम्र मैंने बताई। इस ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं। 14 मनु कौन कौन से हैं? स्वयंभू मनु, सुरोचिष, उत्तम, तमस, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, धर्म सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, दक्ष सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। ये 14 मनु हैं। आपने समझे? आप स्वयंभू मनु सबसे पहले हैं, फिर सुरोचिष हुए, फिर उत्तम हुए, फिर तमस हुए, फिर रेवत हुए, फिर चाक्षुषु, फिर वैवस्वत, फिर सावर्णी, फिर दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। ये 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। तो 14 × 71 एक जो मनु है उसके अंदर 4 बार ये सत्युग त्रेतायुग, जो सत्युग त्रेतायुग द्वापर कलयुग है, ये 71 बार आते हैं एक मनु के अंदर में। तो 14 × 71 हम करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ब्रह्मा के एक दिन में 1000 युग जो आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है चाक्षुषु मनु के अंत में जो उसको कहते हैं कि जो ब्रह्मांड का अंत होता है, प्रलय होती है। अब यहाँ पे एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी कि प्रलय भी 4 तरह की होती है। प्रलय में क्या होता है, सबसे ये जो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को 12वें स्कंद में बताया है, प्रलय क्या होती है। पहली होती है कि नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय का अर्थ हुआ कि यदा कदा कभी कभी जो प्रलय होती है, जो कभी कभी प्रलय का क्या अर्थ हुआ कि जब ब्रह्मा जी को जब नींद आ जाती है, या एक तो हुई जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है जब ब्रह्मा सो जाते हैं वो हुआ, या कभी दिन के समय ब्रह्मा जी को झपके आ गए, जैसे हम भी दिन में कभी सो जाते हैं ना, तो जब दिन में ब्रह्मा जी को भी नींद आ जाती है तो वो नैमित्तिक प्रलय कहलाती है। नैमित्तिक प्रलय में क्या होता है कि जो 14 भुवन है, जैसे हमारे 14 जो लोक हैं उसमें महर लोक, जन लोक, तप्य लोक, सत्य लोक, ये 4 लोकों को छोड़ के जो नीचे के 10 लोक हैं उन सारों का संहार हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं, उनमें कोई जीवन नहीं बचता और पूरा पानी भर जाता है। 4 लोक बचते हैं, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक, नैमित्तिक जो प्रलय होती है उसके अंदर। एक होती है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय में क्या होता है, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो पूरा ये चारों लोक मिला के 14 लोक सभी खत्म हो जाए, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है और ये सभी जो है महाविष्णु के गर्भनाल में, पेट में प्रवेश कर जाते हैं सुप्त अवस्था में। जैसे हम भी जारी आत्माएं तो नित्य है, कोई भी मरती नहीं है, तो सारी जो आत्माएं हैं वो सारी की सारी
महाविष्णु के गर्भ में, पेट में, उदर में प्रवेश कर जाती है। और जब फिर वापस भौतिक जगत प्रकट होता है तो महाविष्णु कृपा दृष्टि डाल के भौतिक प्रकृति को इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रेग्नेंट करते हैं सभी जीवात्माओं को वापस ब्रह्मांड के अंदर। ये होती है प्राकृतिक प्रलय। एक होती है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का क्या अर्थ हुआ कि जो हर समय प्रलय हो रही है, जैसे हम देख रहे हैं हम भी जो बचपन में थे वो हम अभी नहीं है, हमारे सेल हर टाइम मर रहे हैं, कोई ना कोई जीव रेगुलर मर रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रलय हर टाइम हो रही है। जैसे भगवान ने कहा है ना, देहीन अस्मि यथा देह कौमार यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्त यतना मुहाय थे, कि हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। जब हम बालक रूप में थे अब बड़े हो गए हैं, तो वो कहते हैं, उसको कहते हैं नित्य प्रलय। और चौथी प्रलय आत्यंतिक प्रलय, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रलय है जिसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय का क्या अर्थ हुआ, जब एक जीवात्मा ये जान ले कि वो भगवान का अंश है और वो भगवान का सेवक है, उसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। तो चार प्रलय कौन सी बताई मैंने आपको, एक तो नैमित्तिक प्रलय, एक प्राकृतिक प्रलय, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य प्रलय, ये चार प्रलय हो रही है। तो मैंने इसलिए आपको सब ये चीजें बताई है क्योंकि इस श्लोक में ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। इसमें जो प्रलय हो रही है वो है नैमित्तिक प्रलय, जो ब्रह्मा के दिन में, ब्रह्मा को दिन में निद्रा आ जाती है तब उस प्रलय होती है, उसमें फिर भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हैं। मत्स्य अवतार का जो वर्णन है वो आठवें स्कंद में सुखदेव महाराज जी ने किया है। परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज को पूछते हैं कि भगवान ने ये मत्स्य अवतार क्यों धारण किया। एक मत्स्य जो होता है मछली, उसका रूप बहुत ही ग्रहणित माना जाता है, तो उसमें ये अवतार, भगवान को ये अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे फिर परीक्षित महाराज ये बताते हैं कि ये भगवान ने रूप क्यों धारण किया। देखो गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजामि हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता में भगवान ने भगवद गीता 4.7 और 4.8 में अपना कारण बताया अर्जुन को कि मैं आता प्रकट क्यों होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म की ग्लानि होती है और भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। भगवान को विष्णु पुराण में कहा गया है, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्रह्म नेताय ते जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्रह्म नेताय ते, मतलब भगवान गौओं की और ब्राह्मणों की हमेशा रक्षा करते हैं। गौओं की तो हम समझ सकते हैं कि गौ माता दूध देती है, पालन करती है। ब्राह्मणों की रक्षा भगवान क्यों करते हैं? ब्राह्मणों की रक्षा भगवान इसलिए करते हैं क्योंकि ब्राह्मण ही जो है वे प्रचार करते हैं उनका, वे सब को जीवों को बताते हैं कि वे भगवान के अंश हैं। तो इसलिए भगवान को नमो ब्राह्मण देवा गौ ब्रह्म नेता कहा गया है। भागवतम में भगवान कहती है, इसमें कहा गया है ब्रह्मा जी द्वारा ही 1.3.28 में, अतः अंश कला कुंश्याम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र अरि व्याकुलम लोकम मडंती युगे युगे। ये योगे योगे वापस यहाँ पे भी आया है कि भगवान हर युग में जन्म लेते हैं बार बार। भगवान के असंख्य अवतार हैं। अगर अनंत शेष अपने अनंत मुखों से भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं तो भी वे कर नहीं पाते हैं। तो भगवान अनंत अवतार लेते हैं, पर यह हमें समझना होगा कि भगवान चाहे मत्स्य अवतार लें, चाहे वरा अवतार लें, चाहे कूर्म अवतार लें, भगवान कभी भी मत्स्य नहीं बनते हैं, भगवान अच्युत है। जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आज्ञम पुरुषम पुराणम नवयोनम च वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। क्या कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम। अच्युतम का क्या अर्थ हुआ, भगवान कभी भी च्युत नहीं होते हैं, कभी भी अपनी पोजिशन से गिरते नहीं है। जैसे हम जो हैं अभी मनुष्य हैं तो हमारा पतन हो सकता है, कभी हम नीचे की जाति में हो सकते हैं, कभी सुअर मछली कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बन सकते हैं, तो हम हमारी हमारा पतन होता है। पर भगवान अगर मत्स्य अवतार भी ले ले, या भगवान अगर कुर्म अवतार ले ले, कछुए का अवतार भी ले ले, या सुअर जो सबसे ग्रहण तो वो अवतार भी ले लें, तो भगवान फिर भी भगवान रहते हैं।
जैसे भगवान जब बालक रूप में प्रकट हुए कृष्ण, तो जब वे बाल रूप में थे तो भी वे योगेश्वर कृष्ण नहीं थे। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जब वे 16 साल के हुए तब उनके अंदर सारी शक्तियां आई। जब वे छोटे बाल रूप में भी थे तो भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही थे। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं कहना चाह रहा हूं। तो भगवान कभी भी च्युत नहीं होते। और भगवान ने क्या कहा गीता में, माया अध्यक्ष प्रकृति सूयते सहचराचरम हेतु न अन्यन कौनते जगत विपरिवर्तते। कि माया अध्यक्ष प्रकृति, प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। जब भगवान की अध्यक्षता में जो चीज कार्य करती है वो भगवान को कैसे उत्पन्न कर सकती है? प्रकृति ही सभी जीवों को शरीर प्रदान करती है ना। अगर जब प्रकृति शरीर जीवन प्रदान कर रही है और वो भगवान की अध्यक्षता में है, तो वो भगवान को शरीर तो नहीं दे सकती ना कि प्रभु आपको अभी मत्स्य अवतार लेना है, प्रभु आपको कुर्म अवतार लेना है, प्रभु आपको वरा अवतार लेना है, वामन अवतार लेना है। नहीं, वो तो नहीं कर सकती ना। जो जो चीज किसी की अध्यक्षता में काम कर रही है वो किसी को ऑर्डर थोड़ी दे सकती है। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस का बॉस है, आपका बॉस आपको ये काम कहता है, तो आप थोड़ी बॉस को कह सकते हो कि आपको ये काम करना है? नहीं कह सकते ना। तो ये मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि भगवान मत्स्य अवतार लिए तो भगवान मत्स्य बन गए। नहीं, भगवान पूर्ण ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान उस समय भी है जब वे मत्स्य अवतार ले रहे हैं। जैसे एक श्लोक भगवान ने 13.22 में अर्जुन को कहा है, पुरुष प्रकृति स्थय भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु। सत असत योनि जन्मसु, क्यों जन्म लेता है मनुष्य? जो क्योंकि वो गुणों का संग करता है। ये तीनों का गुण संग, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का संग करने के कारण और भौतिक प्रकृति प्रकृति पे अपनी प्रभुता जमाने के लिए, उस कारण से उसे ये जो सत असत योनि जो है उनमें जन्म लेना पड़ता है मनुष्य को। तो भगवान तो न प्रकृति के गुणों के अधीन है न प्रकृति के अधीन है, तो फिर भगवान को तो जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं बनता ना। वे तो खुद अपनी मर्जी से जो करना चाहे वे कर सकते हैं। तो मैंने ये सब भूमिका आपको इसलिए बताई है ताकि हम समझ सकें कि भगवान ने मत्स्य अवतार क्यों धारण किया। फिर जब परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव महाराज को, तो सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि जो मत्स्य अवतार है वे दो बार होता है भगवान का। जैसे जो वरा अवतार है भगवान का वो भी दो बार होता है, एक सतयुग में होता है और एक द्वापर युग में होता है। उसी तरीके से भगवान का मत्स्य अवतार भी दो बार होता है। एक तो स्वयंभू मनु के टाइम पे होता है जब ब्रह्मा जी को दिन में नींद आने लगती है और उनके मुख से वेद निकल रहे होते हैं, तो हैग्रीव नामक असुर वो उनको चुरा लेता है। हैग्रीव भगवान का अवतार भी है एक, और ये हैग्रीव दैत्य भी है। तो जो स्वयंभू मनु के टाइम पे ब्रह्मा के नींद के समय में जो वेदों को चुराता है वो हैग्रीव था, और वो ले जाके पानी में ले जाता है वेदों को। तो भगवान उस समय मत्स्य अवतार धारण करते हैं क्योंकि पानी में मत्स्य अवतार सबसे कारण रहता है और वे वेदों को वापस रक्षा करते हैं और ब्रह्मा जी को वापस ला के देते हैं। तो एक मत्स्य अवतार तो उस समय हुआ। दूसरा मत्स्य अवतार हुआ जो चाक्षुषु, मैंने अभी 14 मनु आपको बताए थे जिसमें छठे मनु है चाक्षुषु मनु। उन मनु के टाइम पे भगवान को एक राजा थे सत्यव्रत राजा, राजा सत्यव्रत पे भगवान को कृपा करने की इच्छा हुई, उनको अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का इच्छा हुई भगवान को, तब वे अपना मत्स्य अवतार उनके सामने प्रकट करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते थे अगर कोई कारण ना हो नहीं बंद करके रखने का, प्लीज अगर आप कर सकते हो तो क्षमा चाहूंगा। मैं बार बार डिस्टर्ब करता रहता हूँ आप लोगों को, पर थोड़ा सा मुझे क्या बड़ा अजीब सा लगता है खाली वीडियो सामने ऐसा ब्लैंक दिखते हैं, तो फिर क्षमा चाहूंगा। तो मत्स्य अवतार भगवान ने चाक्षुषु मनु के टाइम पे लिया। चाक्षुषु मनु के टाइम पे जब सत्यव्रत राजा कौन थे, सत्यव्रत राजा एक बहुत ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वे पानी पीकर खाली अपना जीवन जीते थे खाली पानी के ऊपर। तो जो उन्होंने क्या किया, एक बार कृतमाला नदी में भगवान को नदी में जल का तर्पण कर रहे थे जो सत्यव्रत राजा है। तो सत्यव्रत राजा के जब पानी में जल का तर्पण कर रहे थे तो उनकी अंजलि में पानी ले रखा था, तो एक मछली छोटी सी मछली उनके हाथ में आ जाती है। जब वो छोटी सी मछली उनके हाथ में आती है तो वे वापस उसको जल में डाल रहे होते हैं। तो जब वे डल में उसको मछली को डालते हैं तो मछली भगवान सत्यव्रत राजा से प्रार्थना करती है कि राजन आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं एक छोटी सी मछली हूँ, मुझे इस समुद्र में बड़ी मछली खा जाएगी, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो जैसे राजा क्षत्रिय था उसको रक्षा के लिए पुकारा जाता है,
तो वे क्या करते हैं, एक छोटे से पॉट में, जैसे अपना एक्वेरियम हो, छोटे से पॉट में उस मछली को रख देते हैं और अपने महल में आ जाते हैं। तो वो मछली एक रात में उस पॉट जितनी बड़ी होती, छोटी सी मछली है वो जितना एक छोटा एक्वेरियम, जो बड़ा सा एक्वेरियम था, उतनी जितनी बड़ी हो जाती है। तो फिर वो प्रार्थना करती राजा से वापस कि राजन मैं इस पॉट में नहीं आ पा रही हूँ, मुझे आप इसमें से निकाल के और मेरी रक्षा कीजिए। तब राजा उसको निकाल के एक कुएं में डाल देता है। जैसे ही कुएं में डालता है उस मछली को, तो कुछ ही क्षण में वो मछली कुएं के आकार ले लेती है, जितना बड़ा कुआ है उतना अपने आप को फैला लेती है। फिर आप इस राजा से प्रार्थना करती है कि राजन मैं, मेरा आकार बड़ा हो गया है, मुझे आप यहाँ से निकाल के कुछ बड़ी जगह में डालिए और मेरी रक्षा कीजिए। फिर राजा उसको एक तालाब में डालता है। जैसे तालाब में डालता है, कुछ ही क्षण में तालाब का रूप धारण कर लेती है, पूरा तालाब जितना बड़ी बन जाती है। तो फिर आप इस राजा से प्रार्थना करती है कि मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा उसको उठा के फिर सबसे बड़े तालाब जो वहां पे उसकी होता है उसमें डाल देता है। कुछ क्षण में वो पूरे उस बड़े तालाब का भी रूप ले लेती है। फिर वापिस राजा से प्रार्थना करती है, तब राजा ले जाके उसको समुद्र में डालने की ले जाता है। अब जैसे ही उसमें समुद्र में डालने वाला होता है, तब वो राजा से कहती है कि राजन इस समुद्र में तो बड़े बड़े मगरमच्छ होंगे जो मुझे खा जाएंगे, मुझे आप इसमें क्यों डाल रहे हो। तब वो राजा सत्यव्रत वो समझ जाते हैं कि ये तो भगवान हरि हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं, मैं एक किंचन हूँ, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी लीला को समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ ही कृपया मुझे अपनी लीला के बारे में बताइए, आप तो स्वयं हरि हैं, सबके कष्टों को हरते हैं, तो मुझे बताइए कि आपने मत्स्य अवतार क्यों धारण किया है। तब फिर भगवान बोलते हैं उनको कि मैंने मत्स्य अवतार इसलिए धारण किया है कि 7 दिन बाद प्रलय होने वाली है। प्रलय में क्या होगा, भूर्भुव स्वः, मतलब जो भी 7 नीचे लोग हैं, अतल वितल तल अतल तलातल रसातल महातल पताल लोक, ये सारे 7 लोग खत्म हो जाएंगे, पृथ्वी लोक खत्म हो जाएगा, स्वर्ग लोक खत्म हो जाएगा, तो ये सारे लोग खत्म होने वाले हैं। तो आप उस समय जब प्रलय से पानी भर जाएगा तो एक बोट आएगी आपके सामने, उस बोट में आप जो वनस्पति है और जो ब्राह्मण है उन सबको आप रख लेना और अपने परिवार के और वालों को आप रख लेना और उसमें विराजमान हो जाना। और जब आप बोट में जाओगे तो आपको मैं दिख जाऊंगा आगे जाओगे तो, और वासुकी से आप मेरी नाक में जो नल होगी उससे उसको बांध देना बोट को। और ऐसा कह के भगवान वहां से अपकट हो जाते हैं। तो फिर राजा वहीं पर बैठ जाते समाधि में, और कुछ 7 दिनों बाद बहुत ही तेज बारिश होती है और पूरा जो पृथ्वी होती है पूरी पानी से भर जाती है। फिर एक राजा के सामने एक बोट आती है, तो राजा ने को ध्यान आता है कि भगवान ने जो जो उनको कार्य कहे थे, तो वह वनस्पति को, पेड़ों को और जानवरों को और फिर ब्राह्मणों को उस बोट में विराजमान करते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो बोट डगमाने लगती है तो वासुकी सर्प प्रकट होता है। ये वही वासुकी सर्प है जो समुद्र मंथन लीला में भी हुए थे, जिसको बांध के समुद्र का मंथन किया गया था। तो वासुकी सर्प प्रकट होते हैं और उनको मत्स्य, जो भगवान का मत्स्य अवतार होता है, वह 80 मील लंबी, 80 लाख मील लंबी मछली होती है। सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, 80 लाख मील लंबी एक मछली, वो भगवान का अवतार होता है और भगवान उससे अपने मासुकी सर्प के माध्यम से बोट और उसको बांध देते हैं। और फिर प्रलय का पानी जब कम हो जाता है तो इस तरीके से राजा की रक्षा करते हैं। तो राजा की जो रक्षा होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये चाक्षुषु जो व्यवस्था का चाक्षुषु मनु का जो काल होता है वो खत्म हो जाता है, जो छठे मनु है। तो फिर 7वें मनु आते हैं, वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु वैवस्वान के पुत्र होते हैं। और फिर ये जो वैवस्वत मनु है, यही सत्यव्रत राजा थे। सत्यव्रत राजा वैवस्वत मनु के रूप में प्रकट होते हैं और उनको श्राद्धदेव भी कहा जाता है। उनके 2 नाम है, एक तो वैवस्वत मनु, एक श्राद्धदेव, ये 2 नाम से उनको बोला जाता है। तो देखिए, भगवान ने सारा जो ज्ञान होता है, जब वो बोट में चल रहे होते हैं तब सत्यव्रत राजा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपके बारे में ज्ञान प्रदान कीजिए। तो भगवान उस समय आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान होता है वो सारा ब्राह्मणों को और उनको पूरा प्रदान करते हैं कि वे समझ सके कि भगवान की क्या महिमा है, और उनका पूरा ज्ञान उनको प्रदान किया जाता है। तो जैसे भगवान ने गीता में कहा भी है ना अर्जुन को
एवं वेवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अजम और वेवस्वान मनवे प्राहा मनु इश्वाके अभवृत, कि मैंने यह ज्ञान सबसे जो गीता का ज्ञान है विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, वैवस्वत ने यह ज्ञान अपने पुत्र इश्वाकु को दिया और इश्वाकु से ज्ञान परंपरा में चला राजा, पर यह परंपरा लुप्त हो जाती है इसलिए मैं ये ज्ञान तुम्हें वापिस प्रदान कर रहा हूँ। तो वो ही जो जो भगवान कहते हैं ना विवस्वान मनवे प्राहा, तो यही मनवे जो मनु है वैवस्वत मनु को ये गीता का ज्ञान दिया गया था और भगवान ने खुद वैसे भी उनको ज्ञान जो चाक्षुषु मनु के अंत में सत्यव्रत राजा को भी रूप में भी उनको ये ज्ञान प्रदान किया था। तो ये जो पूरा श्लोक में हम देख सकते हैं कि इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि सत्यव्रत राजा देखेंगे, मतलब ये लीला अभी हुई नहीं है। और उससे पहले वाला जो हैग्रीव का श्लोक था उसमें यह बोला था कि ये जैसे मैं उसको पढ़ता हूँ उसका तात्पर्य को, तो मेरे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में भगवान हैग्री अवतार के रूप में प्रकट हुए, या वर्ड हुआ है हुए, मतलब ये अवतार हो चुका है और ये लीला अभी हुई नहीं है, ये ब्रह्मा जी भविष्यवाणी कर रहे हैं। जो ये अवतार है भगवान का मत्स्य अवतार, ये अभी हुआ नहीं है, ये होगा और ब्रह्मा जी इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं और हैग्री अवतार हो चुका है। तो इसमें ये भी कहा गया है कि भगवान जल से वेदों की रक्षा करते, जैसे मैंने आपको बताया कि वेद जो पानी में हैग्रीव ले जाते हैं तो भगवान मत्स्य अवतार लेके वेदों की रक्षा करते हैं स्वयंभू मनु के टाइम पे, और दूसरा अवतार ही लेते हैं सत्यव्रत राजा को अपनी शक्ति अपनी भगवता बताने के लिए। तो यही आज का इस श्लोक में चर्चा थी और मैं थोड़ी सी चर्चा जो है वो करना चाहूंगा कल के ऊपर। कल क्या है, सबसे महान दिन है, गौरांग महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं। हरि बोल, जयो सच्चिनंदन, जयो सच्चिनंदन, जयो सच्चिनंदन गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि। देखो सबसे भगवान का नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम बदायते, सबसे जो भगवान का अवतार है नमो महावदन्याय, जो सबसे मैग्निफिसेंट कहते हैं जिसको, वो अवतार भगवान का चैतन्य महाप्रभु का कल हमारा उनका प्रकट्य दिवस है। चैतन्य महाप्रभु को हमारे जीवन में लाने का क्या अर्थ है कि हमें भगवान ने जो शिक्षा दी है कि पृथ्वी जहां भी जाओ वहां पे मेरे नाम का प्रचार करो, कृष्ण की शिक्षा करो, कृष्ण शिक्षा दो हरेक को, और ये चैतन्य महाप्रभु ने करके बताया खुद। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के क्या जो एक बाहरी और आंतरिक कारण है थोड़े, तो उसमें एक तो कारण क्या था, जब भगवान कृष्ण सोच के बैठे हुए थे तो सोच रहे थे कि मैंने भक्ति तो बता दी इनको पर भक्ति करनी कैसे ये नहीं बताया। भगवान ने कह दिया सर्व धर्मांत परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, पर शरण लेनी कैसे है ये बताने के लिए भगवान ने फिर सोचा कि मुझे कोई ना कोई अवतार लेके यहाँ बद जीवों को जाने के बताना पड़ेगा। तो उससे अच्छा भगवान खुद एक भक्त के रूप में आ गए। देखिए सर्वशक्तिमान भगवान खुद एक भक्त के रूप में, और आप चैतन्य चरिता में जब पढ़ेंगे तो उसमें भगवान ने जब जाते हैं साउथ की यात्रा पे या कहीं भी यात्रा पे जा रहे हैं तो कोई गाड़ी लेके नहीं जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। सोने का कोई स्थान नहीं था, वे सड़क पे भी सो जाते थे, कोई खाने का स्थान नहीं था। जो सर्वेश्वर भगवान है जिनकी लक्ष्मी हमेशा सेवा में लगी रहती है, वो है भगवान ने भक्त का रूप लेके वैराग्य बताया, वैराग्य की शिक्षा दी है। तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान हमें खुद भक्त के रूप में बताने के लिए क्या आए हैं कि हमें इस भौतिक जगत से अटैच नहीं होना है। ये जगत भगवान ने बनाया है हमारे लिए, हमारे कर्मों को खत्म करने के लिए। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा कैसे होती है कि मैं तो मुझे कुत्ता बना दिया, मुझे बिल्ली बना दिया, सुअर बना दिया, तो भगवान की कृपा कैसे हुई। कई बार प्रश्न आता है ना ये मन में कि ये भगवान की कृपा कैसे हुई, तो इसके लिए भगवान की कृपा इस तरीके से हुई कि जो कर्म बंधन होता है वो खाली मनुष्य जीवन में लगता है, किसी भी और जीव का जो भी हमें जन्म मिलेगा रूप मिलेगा उसमें कर्म बंधन हमें नहीं लगता है। तो हमने जो भी जीवन में पहले जीवन में जो कर्म किए हैं उनको काटने के लिए हमें बहुत सा शरीर दिया जाता है, सुअर का हुआ, कुत्ते का हुआ, बिल्ली का हुआ, इसलिए इसमें भी भगवान की कृपा है।
क्योंकि वे चाहते हैं कि हमने जो कर्म हमारे साथ बांध लिए हैं तो हमें खत्म करने हैं, तो हमें खत्म करने के लिए वो शरीर दिया जाता है, ना कि उसको एंजॉय करने के लिए। हमें मनुष्य शरीर दिया गया है आत्म साक्षात्कार के लिए, कि हम समझ सके हम गलती के कारण भगवान को भोक्ता नहीं समझ के खुद को भोक्ता समझने के कारण हमें यह धरती पे भेजा गया है और हमें भोक्ता नहीं बनना है। भोक्तारम एक तपस्या सर्वलोक महेश्वरम, भगवान भोक्ता है और हमें ये समझना है। तो जब ही हम समझ जाएंगे शांति रिक्षति, कि हमें खुद को शांति मिलेगी, ये शांति का सूत्र जो गीता में दिया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही बताने के लिए कि आप लोग इससे आसक्त मत हो, इस भौतिक जगत से, ये तो नाशवान है और आप नाशवान नहीं हो, आपको जीवन जीना है मेरे साथ आके, मेरे साथ गोलोक वृंदावन में आके, गोलोक धामने निज धामने तले तस्य। तो क्या कहते हैं भगवान, गोलोक धामने निज धामने तले तस्य देवी मय शरी धामशु तेशु तेशु, के तरह तरह के धाम मैंने बना रखे हैं, देवी महेश हरी, वैकुंठ भी नीचे है, गोलोक धाम से नीचे है, गोलोक धामनी निज धामनी देवी महेश हरी ललित तेशु तेशु। फिर कहते हैं तेते प्रभव नीचे भीता चाहिए गोविंदा माधि पुरुषन तमाव अजामी तेते भीता, कि मेरे मैं इनको प्रभाव देता हूँ, मैं ही इनको सब शक्ति दे रहा हूँ, जो भी है, जो देवी धाम है, महेश धाम है, वैकुंठ धाम है, इनको मैं ही शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण शक्ति प्रदान कर रहे हैं उनको अपना कार्य निभाने की, उनको एक ड्यूटी दे रहे हैं कि आपको ये ड्यूटी करनी है। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में इतना सुंदर वर्णन किया है। तो हमें चैतन्य महाप्रभु यही चीज समझाने के लिए यहाँ इस भौतिक जगत में प्रकट हुए, जो एक कारण था। दूसरा कारण था अद्वैत आचार्य जो सदाशिव और महाविष्णु के मिश्रित अवतार हैं, उन्होंने देखा कि पूरा जगत जो है कर्म कांड में लगा हुआ है, जो वेदों का जो कर्म कांड भाग्य है उसमें लगा हुआ है और उपासना कांड को तो भूल ही गया है, भक्ति में कोई लग ही नहीं रहा है, वे सब स्वर्ग लोक के जाना चाह रहे हैं या कोई इंद्र तृप्ति के लिए साधन जाना चाह रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाए, ऐसा करूंगा मुझे ये प्राप्त हो जाए, उन सब कार्यों में सभी जीव लगे हुए हैं। तब अद्वैत आचार्य ने उनकी जो शालिग्राम शिला थी उनको तुलसी और गंगा जल अर्पित किया, तुलसी दल मात्र जल से चुलुके न विकृत सब आत्मनाम भक्ते भय भक्त जल वसला। ये एक तुलसी दल और जल को जब अंजुली भर जल के भगवान को चढ़ा जाता है तो जो भक्त वसल भगवान है वो खुद बिक जाते हैं भक्त के नाम पे। क्या कहा इस श्लोक में सुनिए आप, भगवान खुद बिक जाते हैं जो तुलसी और गंगा जल भगवान को प्रेम से अर्पित करता है, तो भगवान अपने आप को उसको बेच देते हैं। तो यही किया अद्वैत आचार्य ने, और अद्वैत आचार्य ने हुंकार भरी कि हे प्रभु आप प्रकट होइए और ये जो जगत पूरा खत्म हो रहा है इसको बचाइए, लोगों को जो ये जीव जो बंध गए हैं और जो इसमें आनंद लेना चाह रहे हैं भौतिक जगत में और आपको भूल रहने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आके आप बचाइए। ये थे भगवान के बाह्य कारण, पर भगवान के एक बाह्य कारण था बहुत ही बड़ा। भगवान का क्या चाह रहे थे कि चैतन्य चरितामृत में स्टार्टिंग में ही उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्लोक का लिखा है, राधा कृष्ण प्रणय महिमा किदश्व अन्य वस्वाग्य एवं अद्भुत मदिरम किदश्व मध्य सौख्यम चस्य मत अनुभवता किदम शवित लोभात तत् भाव ओढ़ समझिनी सचि गर्भ सिंधु हरि हिंदु। के भगवान ने क्यों ये रूप धारण किया, श्री राधे प्रणय महिमा, कि राधे की प्रणय महिमा उनको जाननी थी, कि राधा को इतना आनंद कैसे मिलता है, कि मैं जब राधा को देखता हूँ तो मुझे कुछ आनंद मिलता है, पर राधा जब मुझे देखती है उनके आनंद में हजारों गुना वृद्धि हो जाती है, जो मेरे आनंद से भी बहुत बड़ी है। तो मैं उस आनंद का सुख का अनुभव करना चाहता हूँ जो राधा अनुभव कर रही है। जब मैं कुछ बोलता हूँ तो पूरा ब्रह्मांड सुनना चाहता है, और पर राधा जब मेरी बंसुकी सुनती है तो वो मोहित हो जाती है, और जब मैं राधा को इस तरह मोहित देखता हूँ तो मैं और आनंदित हो जाता हूँ। तो मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है, देखिए भगवान को खुद के बारे में नहीं पता है, भगवान खुद के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो राधा को इतना आकर्षित करता है, कि मैं बोलता हूँ तो राधा आकर्षित हो जाती है, राधा मेरा स्पर्श करना चाहती है, राधा मुझे सुनना चाहती है, ये सब राधा मेरे अंदर ऐसा क्या है जो राधा को इतना आकर्षित कर रहा है। तो वो भगवान ने राधा को रूप में आए उनके खुद के जानने के लिए, समझे आप, ये भगवान का आंतरिक कारण था। भगवान खुद जानना चाह रहे थे कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो है राधा को आकर्षित करता है। राधा कृष्ण प्रणय महिमा अलादनी शक्ति असा अस्मात् एक आत्मनो अपि भूय पराधेय वेदम कतो ते,
श्री चैतन्य आख्यम प्रकटन अधुनाम तद्वयम च एक्यम आप्तम राधा भाव तूति सोलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम श्री राधे राधा कृष्ण प्रणय महिमा हरलादनी शक्ति अस्मात एक आत्मनो अपि भूमि भरा देह वेतम कदो थे। कहते हैं इसमें कि वह तो हमेशा से एक थे पर वे आनंद के लिए राधा और कृष्ण बन गए। हमेशा से वे एक ही थे, भगवान कृष्ण और राधा एक ही हैं, पर वे आनंद लेने के लिए दो रूप में प्रकट हो गए, राधा और कृष्ण के रूप में। फिर भगवान ने वही रूप को धारण करके सच्ची गर्भ सिंधु, सच्ची की माता के गर्भ में आए हरि इंदु, जो भगवान को गौर चंद्र कहा जाता है, तो वे प्रकट हुए सच्ची माता के गर्भ से और जो वापस एक लेके, जो पहले से एक थे फिर अलग हुए राधा कृष्ण के रूप में, फिर वापस भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा और कृष्ण एक होकर प्रकट होते हैं सच्ची माता के गर्भ से। तो मैंने थोड़ा सा ईव टीजर जो कहते हैं ना वो आपको दिया है कि कल के लिए कि आप इन श्लोकों पे मंथन कीजिए कि भगवान ने क्यों प्रकट लिया। और हमें भगवान को यही प्रार्थना करनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करती है कि अय दीन दयानाथे मथुरनाथ कदा अवलोकस्य हृदय त्वत अलोकात्रम दैत भ्रमति किम करोमि हम। ये प्रभु जैसे माधवेंद्रपुरी का कल तिरुभाव दिवस था, माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम समय में यही प्रार्थना करते थे कि अय दीन दया आर्थ नाथ हे मथुरनाथ कदा अवलोकस्य हृदय त्वत अलोकात्रम दैत भ्रमति किम करोमि हम। के प्रभु मैं यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ, ना जाने कितने जन्मों से भ्रमण कर रहा हूँ इस भौतिक ब्रह्मांड में, आप भाई भाई मुरारे मेरी रक्षा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो हे हे मथुरनाथ। और जितने महाप्रभु से भी यही मैं प्रार्थना करनी है, हे गौर गौर चंद्र भगवान सचिन नंदन, हमें इस भौतिक जगत से निकाल के अपनी सेवा में लगाइए, अपनी शरण में रखिए। अगर आप हम यहाँ भी रहें तो आपकी सेवा कर सके और आपके नाम का प्रचार कर सके, यही हमारी जीवन में चैतन्य महाप्रभु का असली प्राकट्य होगा अगर हम इस चीज को अपने जीवन में धारण कर पाए और अपने जीवन में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रकट कर पाए। तो मैंने यही आज थोड़ा सा चर्चा करी है, क्षमा चाहूंगा मैंने कुछ